असलकुम वेलकम बैक अगेन कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे तो यहाँ जो सुबह का ये टाइम है तकरीबन ग्यारह से बारह बजे का ये टाइम था और मैं आई थी दो दिन बाद अम्मी के घर थी वहाँ से स्टे करके आई थी तो किचन की बहुत बुरी हालत थी डस्ट हो गई थी और चूल्हा बहुत ख़राब हो रहा था तो मैंने सोचा किचन की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ तो बस मैंने चूल्हे को पहले स्टोव को साफ करना स्टार्ट किया नॉर्मल लेमन मैक्स का जो लिक्विड होता है उससे मैंने पूरे किचन को अच्छे से साफ़ कर लिया था उसके बाद साफ कपड़े से इसको साफ़ कर दिया तो बहुत अच्छा सा किचन जो है चमक गया था इससे क्योंकि आप कहीं से रुककर आते हैं ना तो आप कितना भी क्लीन करके चले जाएं वो किचन गंदा हो जाता है कुछ नहीं तो डस्ट हो जाती है उसमें तो बस मैंने सोचा मैं डीप क्लीन कर लूँ इसको क्योंकि विंटर वेकेशन हैं तो फिर मैं अपनी अम्मी के यहाँ चली गई थी और उसके बाद ये एस्टोनिश का जो स्प्रे होता है वो कर लो तो बहुत अच्छी शाइन आ जाती है फिर सामान वगैरह हटा के मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था और स्टोव पे भी एस्टोनिश वाला स्प्रे कर दिया था मैंने एक वीडियो में शो किया था अपना ये वाला स्प्रे बहुत अच्छा होता है और रिजनेबल प्राइस फिर मिलता है और बहुत अच्छी इससे जो है शाइन आ जाती है और क्लिनिंग हो जाती है किचन की किचन क्लीनिंग के साथ साथ मैंने आज डिसाइड किया था कि मैं आलू और चिकन के कटलेट्स बना के फ्रीज़ करूँगी उसके लिए मैंने ये चिकन रख दी थी इसमें मैंने काली मिर्च नमक लहसुन अदरक सोया सॉस और चिली सॉस डाल के इसको बॉयल होने रख दिया इसका पानी मैंने बिल्कुल सुखा लेना है उसके बाद इसको श्रेड कर लूँगी एक तरफ चिकन मैंने बॉयल होने रखी है और दूसरी तरफ खाने में मैं आज बनाऊँगी निहारी नेहारी में बोंग के गोश्त के साथ आप जो हड्डी गुडी वाली हड्डियाँ होती हैं वो लाजमी ऐड किया करें और नली अगर है तो नली ऐड कर लें वो नहीं है तो हड्डी गुडी वाली हड्डी ऐड की तो यहाँ पे बस मैंने ये गोश्त डाल दिया है और लहसुन अदरक ज़्यादा सा डाल दिया है। पैकेट के मसाले से ही बना रही हूँ लेकिन इससे मैं एक अलग तरीके से बनाती हूँ तो ये देखिए पहले मैं इस तरीके से गोश्त को भून लूँगी अच्छे से लहसुन अदरक में और गोश्त को ना मैंने बहुत छोटे पीसेस नहीं किए हैं बस मैं पूरा बोंग का पीस मंगवाती हूँ उसको मैक्सिमम दो से तीन पीस करती हूँ वो जब पक जाता है तो वो खुद ही इतना नरम हो जाता है कि वो टूटने लगता है और उसी में निहारी का असल टेस्ट आता है इस तरीके से लहसुन अदरक में गोश्त को पकाने के बाद मैं डालूँगी शान का निहारी मसाला उसके बाद बहुत अच्छे से मसाले के साथ आपने इसको भून लेना है वैसे तो निहारी सबको ही बनानी आती होगी इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी निहारी बनती है जूसी सी और बिल्कुल बाहर वाला टेस्ट आता है इसमें उसके बाद मैंने एक से डेढ़ कप इसमें पानी डाल दिया और लो फ्लेम पर मैं इसको दो से ढाई घंटे पकने के लिए छोड़ दूँगी ये पक पक के बहुत ही कोई लजीज़ निहारी बन जाएगी किचन के की काम मैं साथ साथ निपटाती जाती हूँ बर्तन जो जो गंदे होते जाते हैं वो साथ साथ निपटा लो तो बड़ा सुकून हो जाता है जितनी देर में आपका खाना पक रहा होता है उतनी देर में आप साथ साथ बर्तन धोते जाएं तो बहुत अच्छा रहता है और जो है ना टाइम बहुत कम इसमें कंज्यूम होता है बस बर्तन धो के मैंने सिंक भी साथ साफ़ कर दिया था और ये कपड़ा भी वॉश करके रख दिया था तो ये तकरीबन वन के जी पोटैटो है जो मैं गरम-गरम ही मैश कर लेती हूँ इससे पोटैटो में जो एक पानी सा छोड़ देता है वो नहीं छोड़ता और स्मूथ रहता है टेक्सचर इसका और फ्रीज़ करने के बाद भी पानी नहीं छोड़ता ये चिकन जो मैंने बॉईल करी थी मैरिनेट करके ये मैंने यहाँ डाल दिए श्रेड करके आ, हरी मिर्च हरा धनिया और कुछ पत्ते पुदीना के मैंने इसमें ऐड किए हैं और अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक नमक चिकन में भी डाला था मैंने और पोटैटो में भी तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दो चम्मच कुटी मिर्च मैं इसमें ऐड करूँगी और काली मिर्च इसमें ऐड करूँगी और चाट मसाला भी इसमें हाफ़ टी स्पून जाएगा वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी और वन टी स्पून सोया सॉस और चिली सॉस हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है छोटा चम्मच आप इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके मैं जो हूँ शेप दे लूँगी चिकन और जितने भी मसाले इसमें मैंने ऐड किए हैं आलू में ये आलू को ठंडा करने के बाद मैश करके ठंडा करके फिर आपने ऐड करना है उससे पहले नहीं ऐड करना है ठीक है आप इस तरीके से शेप दे लें और एक तरफ मैं अपनी नहारी चेक कर लेती हूँ तो ये बहुत अच्छी पक रही है तकरीबन तो इसको पकते हुए दो घंटे हो गए थे और गोश वोश् भी इसका अच्छे से गल गया था यहाँ दो आदद अंडे मैं अच्छे से फेंट लूँगी और हम इसमें अंडों की और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे ये रेडीमेड ब्रेड क्रम्स हैं अगर आपके पास रेडीमेड वाले नहीं हैं तो आप ब्रेड लें नॉर्मल और उसको चॉपर में ग्राइंड कर दें तो वो ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे और वो भी बहुत अच्छा टेक्स्चर और टेस्ट देते हैं ठीक है आपने इस तरीके से इसकी कोटिंग कर लेनी है ये आप स्कूल के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और ये बना के वन वीक तक स्टोर कर लें क्योंकि विंटर्स हैं तो शाम को चाय पे कुछ ना कुछ दिल करता है खाने का तो इसलिए मैंने ये स्टोर कर लिया है और मेरा बेटा भी ये खा लेता है और इसको आप लंच बॉक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं तो इस तरह की चीज़ें फ्रीज़र में बना के रखने से बहुत आसानी हो जाती है बस आपने इसको सर्व करना होता है फ्राई करके और सबसे मज़े की बात ये शैलो फ्राई होते हैं डीप फ्राई नहीं होते तो ये रेडी हैं अब मैं इनको टाइट बॉक्स में कर लूँगी और कुछ कटलेट्स में फ्राई कर लूँगी अभी चाय के लिए तो यहाँ कटलेट्स और चाय दोनों रेडी है और ये मेरा फेवरेट टाइम होता है क्योंकि चाय मुझे बहुत पसंद है वो अलग बात है कि बच्चों के साथ आप गरम-गरम चाय इन्जॉय नहीं कर सकते तो यहाँ मैंने कॉर्नफ्लोर और मैदे की जो है एक स्लरी बनाई है और वो इसमें ऐड कर दिया है ताकि इसका शोरबा गाढ़ा हो जाए हाफ़ टी स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और हाफ मैंने मैदा लिया है इसको आप पानी में मिक्स कर लें आधे कप पानी में और डाल दें एक अदद प्याज़ ली है मैंने यहाँ पे और उसको मैं फ्राई करूँगी जब प्याज हाफ़ फ्राई हो जाएगी तो आप इसमें हाफ़ टी स्पून निहारी का मसाला डाल के अच्छे से प्याज को ब्राउन करके और फिर तड़का लगाएँगे तो इससे सालन का कलर बहुत अच्छा आएगा और बस इसको मैं दस मिनट दम पर छोड़ूँगी और निहारी हमारी रेडी बस तो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं फिर आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ कुछ न्यू रेसिपीज़ टिप्स और ट्विक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज